आज 30 अप्रैल 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 30 अप्रैल 2024 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारे राज खोले हुए हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भाई बहने बहुत लकी है कि उन्हें सृष्टि का रहस्य पता है। ये राज दुनिया में भी कोई नहीं जानता है जो बाबा हमें बता रहे हैं, क्योंकि बाबा स्वयं रचयिता है और सृष्टि के ऐसे रहस्य जो दुनिया को नहीं पता है वो सिंपल भाषा में बाबा बताते हैं। हमें उसके ऊपर मनन चिंतन करके अपनी अवस्था को अचल, अडोल और श्रेष्ठ बनाना है। आज जो राज आए हैं वो एक तो सूक्ष्म वतन का राज, दूसरा माला का राज। माला भी चार प्रकार की बाबा ने बताई है, रुद्र माला या रुंड माला, विष्णु की माला, भक्त माला और ब्राह्मणों की माला। फिर सूक्ष्म वतन में क्या होता है, क्यों होता है, इसके ऊपर भी बाबा ने समय समय पर ये राज खोला हुआ है। फिर तीसरा राज की सृष्टि कभी खाली नहीं रहती है, जबकि शास्त्रों में कुछ और बातें लिखी हुई है। प्रलय का वर्णन है कुछ शास्त्रों में और उस प्रलय के वक्त क्या होगा वो अपने अपने बुद्धि के अनुसार शास्त्रवादियों ने लिखा हुआ है, लेकिन बाबा उसका यथार्थ राज हमको बता रहे हैं। और चौथा राज जो बाबा ने आज खोला है वो है सतयुग का रहस्य। सतयुग में क्या होगा क्या नहीं होगा बाबा समय समय पर ये बताता रहता है। आज बहुत सारी बातें सतयुग की बाबा ने बताई है जिसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। इसके साथ ही बाबा ने बताया कि कैसे सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव होता है। अगर सच्ची सेवा करते हैं, सच्ची दिल से, निस्वार्थ भाव से, तो कैसे खुशी बढ़ती है, पुण्य का खाता जमा होता है। और आज के मुरली में और जो शब्द आए हैं जो मुझे अच्छे लगे वो है पोता मेल अंतर्मुखी। तो इन सबको हम देखने वाले हैं। हमारा टाइटल जो है मुरली का रहस्य, तो हम रहस्य से ही शुरुआत करेंगे। पहला रहस्य जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है वो है सूक्ष्म वतन का रहस्य। सूक्ष्म वतन, दुनिया में भी ऐसे कई लोग हैं जो ट्रांस में जाते हैं और वो बहुत सारी बातें देखते हैं। इस समय अभी ऐसे आत्माएं हैं जो ट्रांस में जाते हैं, उनको भी पता नहीं वो कहाँ जाते हैं। ये लौकिक की आत्माएं, उनके बारे में हम बता रहे हैं। उनके पास भी पावर्स हैं
और उन्हें लगता है ये कि पावर्स उनके गुरु ने उनको दी हुई है। तो ट्रांस या ट्रांस जैसी स्टेट जिसमें व्यक्ति को पता नहीं होता है कि वो कहाँ गया है, लेकिन उसे साक्षात्कार होते हैं, बहुत सारे साक्षात्कार होते हैं। ऐसे योगी इस समय धरती पर है, पहले भी होके गए हैं, जो भक्ति मार्ग में संतों ने देवताओं का अनुभव किया है, वो ट्रांस वाली स्टेज में ही किया होना चाहिए। जैसे संत मीराबाई अनुभव करती थी कि वो वैकुंठ में रास कर रही है, ये साक्षात्कार है। महाराष्ट्र में संतों ने अनुभव किया है। एक संत की कहानी सुनाते हैं कि वो श्री कृष्ण को अपने हाथ से भोग खिलाते थे और उनके हाथ से वो खाते थे, और बाकी संतों को भी मदद करने देह के रूप में आए थे। अभी इन सब बातों को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। जैसे कलकत्ता के श्री रामकृष्ण परमहंस, अभी वो उच्च कोटि के योगी थे, बाबा ने भी मुरली में उनको एक्नॉलेज किया है, लेकिन उस समय के लोग उन्हें दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी कहते थे, क्योंकि उनका पूरा बिहेवियर मॉडर्न साइंस के हिसाब से, इस समय का वैद्यकीय विज्ञान के हिसाब से पागलपन का था, क्योंकि किसी से बात करना, कुछ दिखाई देना, इस समय का आधुनिक मनोविज्ञान उसको हॉलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स कहते हैं। तो ऐसे लोगों को दुनिया ने पागल ही ठहराया है, क्योंकि ये दूसरी दुनिया में जीते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये दूसरी दुनिया है सूक्ष्म वतन की, बहुत सारे राजों से भरी हुई है, पर हम बाबा के बच्चे बहुत भाग्यवान हैं जो ये सब राज बाबा ने खोल दिए हैं हमारे सामने। नंबर वन, निश्चय पक्का है तो बाबा की बातें बुद्धि स्वीकार करती है। अगर हमने शास्त्रों की बातें सुनी है, गुरुओं की बातें सुनी है, किताबों से बातें पढ़ी है, तो हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठेंगे। मेरे हिसाब से उठने चाहिए, क्योंकि जगदीश भाई के मन में भी ये बहुत सारे प्रश्न उठे थे, लेकिन जैसे अनुभव हुआ तो अनुभव के बाद में प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट है, बहुत इसमें कुतूहल होता है, क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि क्या सच है। तो बाबा ने जो मुरलियों में बताया वो बातें मैं आपके सामने पहले रखूंगा। नंबर वन, बाबा ने कहा, मैं बच्चों को सब कुछ दे देता हूँ, केवल एक बात मैं बच्चों को नहीं देता, और वो है साक्षात्कार की चाबी। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि कब किसको कौन सा कहाँ कैसे साक्षात्कार कराना, ये केवल बाबा ही जानता है। आप अपनी इच्छा से साक्षात्कार की अवस्था में नहीं जा सकते, वो बाबा कराता है साक्षात्कार। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ये चाबी मेरे पास है। और इसके साथ आज के साकार मुरली में आए हुए दो बातें आपको सुना रहे हैं। एक, बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में सब साक्षात्कार की बातें हैं, माने सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं है, वहां सब साक्षात्कार है। और एक बात जो बाबा ने कही थी साकार मुरली में, आप इसको स्टडी करके, हम पहले इसका जेरॉक्स करके नोट्स बनाते थे, अभी हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसको स्वीकार करना है वो स्वीकार करेगा, जिसको स्वीकार नहीं करना है वो प्रश्न पूछते बैठेगा। तो पहले हम ये सब मुरलियों का झेरॉक्स करके अंडरलाइन करके रखते थे, फिर अभी इतनी सब मुरलियाँ रखना भी पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग रखते होंगे। बाबा ने कहा था कि संगम युग पर बाबा सबसे पहले आकर सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। अब ये स्वयं शिव बाबा ने साकार मुरलियों में कहा है। तो सूक्ष्म वतन की रचना शिव बाबा अपनी शक्ति से करते हैं, और सूक्ष्म वतन आज बाबा कह रहा है सब साक्षात्कार की बातें हैं, माना वहाँ
प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं है, प्रजापिता इस साकार सृष्टि में होता है, क्योंकि प्रजा भी यहाँ है, ऊपर प्रजा नहीं है, ऊपर केवल साक्षात्कार है। अभी साक्षात्कार क्या होता है उसको भी समझना चाहिए। बाबा ने साक्षात्कार की डेफिनेशन व्याख्या भी दी हुई है मुरलियों में। एक मुरली में बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में साक्षात्कार को सर्वश्रेष्ठ अवस्था माना जाता है, और किसी को साक्षात्कार होता है तो वो खुश हो जाते हैं। बाबा के कितने बच्चों को साक्षात्कार हुए, ब्रह्मा का हुआ है, लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का हुआ है, राधे का हुआ है, पर साक्षात्कार से संस्कार परिवर्तन नहीं होते, ये भी बाबा ने बताया हुआ है। बाबा ने स्पष्ट कहा मुरलियों में कि 14 साल जो तपस्या करवाई बाबा ने दादियों से, अभी उनको क्या करें 14 साल, उनको बहलाना जरूरी था, तब बाबा ने उनको कई सारे साक्षात्कार कराए। हमारी तो एक दादी थी जिसका नाम ही देवता दादी पड़ा। अभी और सोचो, एक एक महीना ट्रांस में रहना, ट्रांस वाली आत्मा है आपको बता दे कि वो बहुत कम भोजन करते हैं, ज्यादा खाते नहीं है वो। तो जिन्होंने भी देवता दादी का अनुभव सुना है, पढ़ा है, वो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, जिन्होंने नहीं सुना है वो पढ़ेंगे इसके ऊपर। आजकल हमारे वीडियो और किताबों में भी लिखा हुआ है, समय के अभाव से उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन साक्षात्कार माना देखना, ये एक व्याख्या बाबा ने बताई है। दूसरी व्याख्या बाबा ने कहा, भले आप देखे नहीं लेकिन बुद्धि से आप महसूस कर लेते हो, ये भी साक्षात्कार है। दोनों को हम देखने वाले हैं। तो देखना, जैसे मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि बिंदी का बहुत बार साक्षात्कार हुआ है, अभी भी होता रहता है। अभी इससे ये पता चलता है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है, पर वो आत्मा है, परमात्मा है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का रूप एक ही है। तो वो झिलमिल की तरह होता है, बाबा ने कहा झिलमिल, या जिसको अंग्रेजी में फायरफ्लाई कहते हैं, या जुगनू कहते हैं हिंदी में, या महाराष्ट्र में इसको काजवा कहते हैं, हर एक भाषा में अलग अलग शब्द होना चाहिए। तो वो थोड़ी देर के लिए चमकती है, पर उससे फायदा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हमको हमारे लक्ष्य के बारे में बताते हैं। मुझे ये बहुत फायदा देता है कि जब बाबा कहता है कि अपने को बिंदी समझो, बाबा भी बिंदी है, तो वो विजुलाइज करने में बहुत सहज हो जाता है हमारे, क्योंकि हमने देखा है कि वो कितना सूक्ष्म है और कितना चमकीला है। ऐसे ही अगर किसी को लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है, अभी वो चित्र देखा, लाइट देखी, उसके बाद वो चित्र, बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा, अगर कोई अच्छा पेंटर है उसको साक्षात्कार हो जाए तो भी वो हूबहू चित्र निकाल नहीं सकता है। अभी मैं गुजरात में दमन में गया था, वहाँ नया सेंटर का उद्घाटन हुआ गुजरात में, तो वहाँ के सेंटर के ऊपर फ्रंट में वो राधे कृष्ण का चित्र उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन वो जो चित्र है आजकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए गए चित्र, कई लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर जो DP है उसके ऊपर भी रखे हुए हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएट किए गए चित्र है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल बाबा ने कहा जैसे के तैसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो हमको इसके पीछे का भाव ये समझना चाहिए कि साक्षात्कार होता है ये हमको टारगेट बताने के लिए कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी नारायण रहते हैं, ऐसे ऐसे वहां की दिनचर्या होती है। ये बाबा ने दादियों को सब दिखा दिया था, हमको इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि सतयुग में चले जाए और सतयुग का कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ जाए, गोल्डन कॉन्शियसनेस, या जिसको बाबा ने कहा सतो प्रधान,
सतो प्रधान ये शब्द बोलना जितना सरल है उतना सरल है नहीं। बहुत ऊंची अवस्था होनी चाहिए सतो प्रधान। एक वाक्य में अगर मैं आपको कहूं तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सतो प्रधान माना विकारों की अविद्या। विकार क्या होते हैं वही पता नहीं है, किसको विकार कहते हैं। जो बाबा कहता है देवता है रॉयल बुद्धू है, उनको पता ही नहीं कुछ। जैसे छोटा बच्चा होता है बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसको कुछ भी नहीं पता विकार क्या होते हैं। महात्मा बाबा ने कहा, ऐसे ही बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण से श्री कृष्ण और श्री राधे की प्यूरिटी की परसेंटेज अधिक है, क्योंकि छोटा बच्चा पवित्र होता है। तो ये सतो प्रधान अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। आप कल्पना करो इस पुराने शरीर में रहते हुए हमारे संस्कार इतने दिव्य होने चाहिए जैसे सतो प्रधान। और बाबा ने आज इसका हिंट दिया है, इसलिए मेरा इसके ऊपर चिंतन चला। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे अलग अलग राजाई में जन्म लेंगे, है ना, जो राजा बनने वाले हैं। आप कल्पना करो, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे भारत में राजाई होके गए, अलग अलग राजाएं होके गए। अभी भारत में दिल्ली पर राजा अलग बैठता था, वो ओडिशा का राजा अलग था, बंगाल का राजा अलग था, पंजाब का पटियाला का राजा अलग था, ऐसे ही राजस्थान में उदयपुर के राजा अलग थे, महाराष्ट्र के राजा अलग थे, साउथ में भी अलग अलग राजाएं रहे होंगे। आप सोचो, अभी बाबा ने मुरली में कहा है कि श्री राधे का जन्म और श्री कृष्ण का जन्म ये दोनों अलग अलग राजाई के होंगे, और फिर इनका स्वयंवर होगा। तो जहां जिसको जन्म लेना है वहां पर वो आत्मा जाएगी। अभी ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज बाबा ने बहुत गहरे राज खोले हुए हैं। मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ कॉन्शियसली, ताकि आप चिंतन कर सके इसके बाद में। एक वाक्य मैं दे रहा हूँ जिसके ऊपर मधुबन में भट्टिया हुई, आज भी उसके ऊपर कई लोग अपना चिंतन सुनाते रहते हैं, अव्यक्त मुरलियों में आया है इसी संदर्भ में जो अभी बातें हमने सुनी। तो बाबा ने कहा, बहुत फेमस वाक्य हुआ बाबा का शब्द है, जहां जीत वहां जन्म। आई रिपीट, मैं फिर से कह रहा हूं, जहां जीत वहां जन्म। अभी इसके ऊपर चिंतन करना है, जहां जीत वहां जन्म का मतलब क्या है। हमारी जीत कहां पर होती है? क्या बाबा किसी स्थान की बात कर रहा है? अगर ड्रामा पूरा भारत के ऊपर है और भारत में ही सतयुग आना है जैसे कि बाबा कहते हैं, तो जहां जीत वहां जन्म का मतलब एक, भारत में हमारी जीत होती है तो भारत में हमारा जन्म होगा। हमारी जीत विदेशों में नहीं है, अमेरिका, लंदन, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत भारत में है, तो जन्म भारत में है, ये इसका अर्थ है। या दो, कि बाबा के जहाँ जहाँ पर सेंटर है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो भारत के सेंटर पर बाबा ने कहा लास्ट में साक्षात्कार की धूम होगी। तो समझो दिल्ली में अलग साक्षात्कार होगा, वृंदावन में अलग साक्षात्कार होगा, मथुरा में अलग होगा, बनारस में अलग होगा, साउथ में अलग होगा, हर स्टेट में अलग अलग साक्षात्कार होंगे। तो बाबा क्या ये कहना चाह रहा है कि जहां पर हमारे द्वारा साक्षात्कार होंगे, जिस स्थान पर, क्या वहीं पर हमारा जन्म होगा? या फिर ये सभी बातें बहुत सूक्ष्म है, कॉन्शियसनेस या चेतना की बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने कहा केवल वही आत्माएं 111 में आएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी या
प्योरिटी की परसेंटेज श्री कृष्ण श्री राधे के साथ वाली होगी तो उनके आसपास वो जन्म लेंगे। तो जहां जीत वहां जन्म का मतलब कहीं ये तो नहीं कि भले मैं कभी भी आया हूं पीछे लेकिन मैंने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके नष्ट मोहा बन के स्मृति स्वरूप बन के अपनी आत्मिक स्थिति को उस लेवल तक लाया जो बाबा मम्मा हमारी बड़ी दादियाँ जो माला के मणके हैं उनके साथ में भी मेरी वही स्थिति आने लगी। तो जहाँ पर वो जाएंगे उसके आसपास में ही हमारा जन्म होगा। चिंतन करेंगे इसके ऊपर। अगर आप ड्रामा को देखो इस संगम युग पर जहाँ ब्रह्मा बाबा थे वहीं पर आजू बाजू में मम्मा भी थी दादी भी थी। क्यों ये सब उसी प्रांत में पैदा हुए? तो इन्होंने ड्रामा प्लान अनुसार एक दूसरे के साथ में अनेक जन्म बिताए हैं। तो लास्ट में ड्रामा प्लान अनुसार अंतिम जन्म में वो सिंध प्रांत में पहुंच गए ड्रामा प्लान अनुसार। तो चिंतन करना है कि कैसे कैसे हमारा कहां पर जन्म होगा। और एक वाक्य आज के मुरली का चिंतन के लिए बता रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे जहां जाएंगे वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। अब इसके ऊपर भी चिंतन करना है। किसी घर में अगर बच्चा पैदा होता है और बचपन से ही उसकी डिविनिटी उसकी दिव्यता दिखाई देती है तो घर वाले रिश्तेदार आजू बाजू के सभी लोग कहते हैं कि ये तो जैसे देवता हमारे घर में आया हुआ है। ऐसे ही बाबा के योगी बच्चे जिन्होंने संगम युग पर अपने आप को दिव्य गुणों से भरपूर किया है अगर उनका शरीर छूटता है जैसे ड्रामा प्लान अनुसार मम्मा का दादियों का बड़ी बहनों का बहुत भाइयों का शरीर छूटा है। अभी वो जहां पर भी गए होंगे वो अपना जलवा जरूर दिखाएंगे। ये भी एक तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि एडवांस पार्टी की आत्माएं कहां पर पैदा हुई होंगी। ये चिंतन का विषय है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं ये कह रहा हूं बाबा ने स्पष्ट कहा है कि सृष्टि कभी खाली नहीं रहती। राम गयो रावण गयो इसका भाव अर्थ बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा और फिर वही सनातन धर्म कहलाएगा क्योंकि सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। जैसे भगवद गीता कहती है सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा और केवल एक ही धर्म रह जाएगा। लेकिन जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि पानी घुस जाता है प्रलय शब्द हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कयामत का समय कुरान में आया हुआ है और डूम्सडे और डे ऑफ जजमेंट बाइबल में है। तो बाइबल में एक सुंदर वर्णन है जैसे बाबा ने कहा क्राइस्ट और कृष्णा की बहुत सारी बातें मिलती है तो ये प्रलय की बात वहां पर भी है। उसमें एक शब्द मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल करूंगा जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे ये समझ सकते हैं। वो कहते हैं नोआस आर्क। माना एक बोट बनाई गई लास्ट में है और ये बोट में ये जेनेसिस में वर्णन आता है फ्लड आया था सभी जगह पे पानी घुस गया था तो नोआ और उसके परिवार वालों को उनको ये आया संकल्प कि हम ऐसी बोट बनाए जिसमें सभी प्राणियों को उसमें रखे क्योंकि जब पूरी दुनिया पानी में जाएगी तो फिर से सृष्टि कैसे चालू हो जाएगी।
तो ये वर्णन है कि बोट में सब घुस जाते हैं और बाकी पूरी दुनिया कई दिनों तक पानी में रहती है। लास्ट में क्या होने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि ये कहानियों में कुछ तो राज छिपा हुआ है। जैसे श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताते हैं कि बहुत जोरदार बारिश हुई और तूफान आ गया, नदी में बाढ़ आ गई, और श्री कृष्ण उस तूफान में जाते हैं और फिर कहानी में बताता है वो टोकरी में लेके जाते हैं और पैर उसका पानी को टच होता है तो पानी पूरा अंदर जाता है। इसके अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि पानी डेफिनेटली होगा और मुझे ये दिखाई दे रहा है, माना बुद्धि ये जजमेंट दे रही है कि इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जब आप उसे समुंदर में फोड़ो या कहीं और भी फोड़ो, टेम्परेचर जो बढ़ने वाला है पृथ्वी का, उससे बहुत वातावरण में हलचल होगी। आप सब जानते हैं गर्मी बहुत बढ़ती है तो उसके बाद तुरंत बारिश आ जाती है, तो उसके बाद ऐसी तूफान बारिश होने वाली है जिसके वजह से एक पल ऐसे लगेगा, जो बाबा ने भी मुरलियों में कहा है कि 100 फीट समुंदर की लहरें उछाल खाएगी। अभी ये किसके वजह से उछाल खाएंगी, तूफान के वजह से या सुनामी आएगी हम नहीं जानते, लेकिन जलमय बहुत जगह पर होने वाला है, हालांकि कुछ हिस्सा बचा रहेगा। तो ये सब जो प्रेडिक्शंस है बताए हुए कुछ लोगों को दिखाई दिए हैं, तो ये सब लास्ट में होने वाला है जो स्मृति लेकर हम जाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं ये सब बातें सुन के, हमको डरना नहीं है, आत्मा अविनाशी है, शरीर तो कभी ना कभी छोड़ना ही है, लेकिन उसके पहले हमारे संस्कार इतने दिव्य हो, जो बाबा कहते हैं कि वो दिव्यता के दैवी गुण धारण करके हम जाएंगे। सतयुग का वर्णन मैं जरूर 1 मिनट करना चाहूंगा। बाबा ने आज साकार मुरली में सतयुग का वर्णन किया है कि वहां बांस नहीं होगी तो अगरबत्ती जलानी नहीं पड़ेगी, बर्तन सोने के होंगे, वहां पंखा नहीं होगा, ना एसी ना पंखा, क्योंकि वहां सदा बाहरी मौसम होगा। और विशेष बाबा ने कहा कि अभी के फूलों में खुशबू ही नहीं है, 1% खुशबू है तो वहां पे 100% खुशबू होगी। ये भी बहुत चिंतन का विषय है कि इतनी खुशबू कैसे होगी, माना देवता ये सब नशे में ही रहेंगे, इतनी खुशबू बाबा कह रहा है। और एक मुरली चली थी 1980 में, अव्यक्त मुरली, पहली मुरली, जो भी नए बाबा के बच्चे हैं जो अपने नॉलेज को ब्रशअप करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 2 जनवरी 1980 की पहली मुरली आने वाली दुनिया कैसे होगी, बाबा ने पूरा सतयुग का वर्णन किया है, वो भी चिंतन करेंगे। आते हैं वरदान के ऊपर और माला के ऊपर। माला हमने बहुत बार देखा है, जो रुद्र माला है वो शिव बाबा के गले की माला, फिर वो विष्णु की माला बनती है, और भक्त माला अलग है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनेगी, लास्ट में बनेंगी, क्योंकि ब्राह्मणों का चार्ट ऊपर नीचे होता रहता है। विशेष मुझे जो अच्छा लगा आज के मुरली में कि बाबा ने सेवा के ऊपर आज का वरदान दिया हुआ है, बहुत डीप है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो सेवा नहीं है, सेवा छोड़ दो बाबा ने कहा, लेकिन संतुष्टता को नहीं छोड़ो। बाबा संतुष्टता को टॉप मार्क्स दे रहा है। जैसे शरीर की तृप्ति वाले संतुष्ट रहते हैं, ऐसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है, तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान साल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान रहेंगे। तो चेक करना चाहिए कहीं मेरे अंदर ये हद की इच्छा, नाम मान शान साल्वेशन साधन की भूख तो नहीं है। क्या मैं संपन्न और समान हूँ? क्या मैं सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा से आगे बढ़ रही हूँ और पुण्य का खाता जमा कर रही हूँ? अपने आप से प्रश्न पूछना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो, तो बाबा ने कहा पुरानी बातें
आपके सामने आती रहेगी। जन्म जन्मांतर जो कर्म किए हैं वो आते रहेंगे, लेकिन सबसे बुद्धि योग निकालना है हमको, अंतर्मुखी बनकर बाबा को याद करना है, सर्विस का सबूत देना है, पोता मिल चेक करना है कि कितना समय बाबा को याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि हम व्यापारी बुद्धि वाले हैं, कोई भी नुकसान हम नहीं चाहेंगे। अच्छे अच्छे ख्याल आने, स्वर्ग में क्या क्या होगा उसके ऊपर विचार करके अपने को उसके लायक बनाना है, दैवी गुणों को धारण करना है, और हद की सर्व चाहना से परे सदा संतुष्ट तृप्त संपन्न और समान अवस्था में रहना है। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा कर सदा आगे बढ़ते हुए पुण्य का खाता जमा करना है। अच्छा, ओम शांति।